खबर अपने दर्शकों को बता रहा है रायपुर से, जहां ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आज से बड़ा अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी, लापरवाही पर पुलिस कर्मी भी निपट सकते हैं। जी हां, तीन सवारी रॉन्ग साइड बिना हेलमेट पर चालान कटेगा और लापरवाह ऑटो चालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। यानी ट्रैफिक नियमों में उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखकर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका असर कितना दिख रहा है और कितनी सख्ती बरती जा रही है? हाँ, देखिए, कुछ महीनों से जो ट्रैफिक में चलानी कार्रवाई है वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी, और बंद होने का कारण था लगातार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जिस तरीके से आया, इसलिए जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस की चलानी कार्रवाई है उस पर विराम लग गया था। लेकिन दो दिन पहले जो शहर के SSP हैं आरिफ शेख, उन्होंने ट्रैफिक विभाग की बैठक ली और बैठक में सख्त निर्देश उन्होंने दिया था कि सोमवार को आप एक बड़ा अभियान शुरू करें, क्योंकि अधिकतर शहर के सड़कों में ये देखा जा रहा है कि लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, इसके अलावा तीन सवारी होकर वाहन चला रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी चीज निकल कर सामने आई थी वो शराब का सेवन, क्योंकि राजधानी के सैकड़ों जो युवा हैं वो शराब का सेवन कर यहाँ पर वाहन चलाते हैं और निश्चित तौर पर दुर्घटना भी होती है। तो ये तमाम चीजों को लेकर SSP ने गंभीरता दिखाई थी और तब जाकर वहां पर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था। तो उसी निर्देश का असर अब दिखने लगा है और आज से यानी सोमवार से पुलिस की एक बड़ी अभियान आज से शुरू होने जा रही है। इसके तहत जो ऑटो को परमिट दिया जाता है शहरी और ग्रामीण, क्योंकि अब अधिकतर ये शहर में देखा जा रहा है कि ग्रामीण परमिट वाले ऑटो चालक शहर में ऑटो चला रहे हैं, जो निश्चित तौर पर एक तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। तो इस पर ट्रैफिक विभाग काफी गंभीर है और तमाम चीजों को लेकर आज से जो चलानी कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि शहर में ये देखने को मिला था कि पुलिस की चलानी कार्रवाई जो बंद हो गई थी उसका असर और उसका परिणाम ये था कि लोग बेधड़क तीन सवारी होकर वाहन चला रहे थे, रॉन्ग साइड वाहन चला रहे थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो शहर में सड़कों में मनमानी देखने को मिलती है वो ऑटो चालक है। ऑटो चालकों को भी कुछ दिन पहले SSP और तमाम अधिकारियों ने बुलाया था, खास तौर पर समझाइश दी थी, उसका ये सब असर देखने को आज से मिलेगा। हालांकि पुलिस का जो अभियान है वो कब तक चलेगा और जो जिस तरीके से चलानी कार्रवाई है वो किस प्रकार की होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।